भी कुरान मजीद है कुरान हमें बहुत सारा पुकारा था गुरु इला ये हो मेरे वालिदैन ऐसा ना मेरे प्यारे उस्ताद करीम और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों और हम सब के साथ हो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आज आपके सामने खड़ी हुई हूँ तो एक अहम मसला बयान करने के लिए और जो आज का मेरा मौजू है वो है माँ बाप का अदब व एहतराम और उनकी खिदमत। हम सब अपने माँ बाप की गोद में पले बड़े हैं और हमारे माँ बाप ने हमें बड़ी मोहब्बत और प्यार से पाला पोसा है। अगर हमें माँ की गोद न मिलती बाप का प्यार न मिलता तो हम इस तरह से बड़े ना हो सकते थे। हर बच्चे की उम्र के लिहाज से उसको खुराक की जरूरत होती है, लिबास की जरूरत होती है, बीमार हो जाए तो दवा की जरूरत होती है और छोटे बच्चे तो बिलाख़ास अपनी हर जरूरत में अपने माँ बाप के ही मोहताज रहते हैं। तो हमारा ये फर्ज बनता है जैसे हम समझदार हो जाए हम अपने माँ बाप का अदब करें, एहतराम करें और उनकी खिदमत करें। ये सिर्फ आम इखलाक की नहीं बल्कि हमारे दीन और शरीयत दीन इस्लाम की भी बात है। कुरान में 15वीं पारी में आया है वो का सारा मुकाला का बदू इला इया हुआ बिल वालिदैन ऐसा ना ये तेरे रब का कता फैसला और हुक्म है कि अपने रब के अलावा किसी और की इबादत न करना और अपने माँ बाप के साथ ऐसा करना। तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अपने माँ बाप की बात सुने, उनका हुक्म माने और जो वो कहते हैं वो करें। अगर कोई काम हमें आता है तो उनमें अपना हाथ बटाए। अगर कि वो किसी गलत काम से रोक रहे हैं तो रुक जाए। ये बात हमारे दीन व शरीयत की भी है कि हमें अपने माँ बाप का अदब व एहतराम करना जरूरी है। एक बार एक सहाबी ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया था कि ऐ अल्लाह के रसूल मेरे हसन सलूक और हसन मामला का सबसे ज्यादा हकदार कौन है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम्हारी माँ। उन्होंने दूसरी बार पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी माँ। उन्होंने तीसरी बार पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी माँ। उन्होंने उसके बाद दरियाफ्त किया कि ऐ अल्लाह के रसूल उसके बाद कौन है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे बाप। माँ के बारे में खास तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक सहाबी से फरमाया था कि ऐ अल्लाह के रसूल मुझे जहाद के लिए जाना है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था जाओ अपनी माँ की खिदमत करो। वही ना जन्नत अली जा रहा जन्नत इसकी मांग करे है और बाप जन्नत का सबसे अफजल दरवाजा यानी आला दरवाजा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों आप सबको ये मसला भी जरूर मालूम होना चाहिए कि हमारे माँ बाप के अदब व एहतराम के लिए माँ बाप का दयानदार होना शर्त नहीं है। कि कोई सोचेगा कि मेरे माँ बाप नमाज नहीं पढ़ते कुरान नहीं पढ़ते या किसी तरह से कोई गलत काम करते हैं तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों ये उनके और उनके रब का मामला है। हमें इसमें कोई भी निगरानी नहीं रखनी चाहिए। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि अगर तुम्हें बड़ा फर्ज कोई ऐसी जरूरत आ भी गई तो अपने माँ बाप को दीन करने की से खैर की दावत दो। बड़ा फर्ज वो सुन मान जाए अगर नहीं माना तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि हमारे अगर वो तुम्हें किसी बात की सख्ती करे कि मेरे साथ कोई शरीक ठहरा हो जिसका तुझे इल्म ना हो तो उस बात में उनकी इताअत न करना लेकिन दुनियावी लिहाज से उनका अदब करते रहना। तो हम सब अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि हम सबको अपने माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए ताकि हम जन्नत की मस्ना बन जाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।